अल्लाह ऊपर निकल निकल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी खैर से। मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन बलोच, साथ में रहीम बलोच फ्रंट कैमरे पे, ज़रूर बलोच सेकंड कैमरे पे यूसुफ बलोच। शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का, आपका मोहब्बत का, आपका चाहत का, आप जिस तरह हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं। डायरेक्ट हम पॉइंट पे आ जाते हैं। आज आपको सामने सामने जो लोकेशन नज़र आ रहा है, हाँ काफ़ी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा डिमांड आ रहा था ना कि आप दोबारा जाए इस जगह पे, क्योंकि ये ऐसा जगह है ना, ये बिल्कुल समझ से बालातर है रहीम साहब, ऐसा ही है। तो आज फिर से हमने कोशिश की है कि हम जाए और अल्लाह का नाम लेके, ठीक है, देखते हैं हमारे साथ होता क्या है। मेरा ये जो जगह है ना, इस जगह ने हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचा है, यकीन जाने। अब भी इस जगह को जब हम देखते हैं तो हम बिल्कुल, यानी कि हमारी हालत ख़राब हो जाता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, इस तरह कुछ शैतानी मखलूक जिसको हमने रियल डेवल का नाम दिया, ठीक है। और उसकी वजह ये है ना, मैं आज गाड़ी के साथ, मैं थोड़ा सा बाहर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सारा, ताकि आपको फोकस हो जाए अच्छे तरीके से। ये जो जगह है यार, यकीन जाने खाओ पाओ काम जा काम। ये वो लोकेशन है, हालांकि हम गाड़ी यहाँ पे, यूसुफ क्या हो गया जैन भाई, दरवाजा टूट कुल किया यार, जालिम दरवाजा टूट कुल किया यार, गॉड ये मेरा रिकॉर्ड है यार। ओए ओए अल्लाह अकबर, दरवाजा भी खुला है साथ में यार, फिर साथ दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया। ये बिल्कुल ताकत में काफी आज यार, मुझे समझ में ये नहीं आया 100%। अब जैसे हम पहुंचे हुए यार, इनको ये पता चल जाता है कि यार कुछ आ गया। देखो अभी कह रहे वो कमरे तो उस तरफ है, हाँ। चार दीवार यार, जैसे अभी ये जैसे सिंह नहीं है, सिंह बाहर आया उसके बाद, फिर अल्लाह माफ करे जिस तरह की कोई चीज आपने चेक किया ना अभी तक। और दरवाजा क्यों खुला है, दरवाजा हैरान मुझे क्या, दरवाजा क्यों खुला था, रिकॉर्ड किया उस वक्त, इंशाल्लाह रिकॉर्ड हो गया। हाँ आज बिल्कुल काफी खतरनाक है मेरे खुदा, दरवाजा कैसा खुल गया, ये दरवाजा खुला और साथ में ये नजर आ गया, ऑटोमेटिक दरवाजा खुल गया, तो लॉक था। निकल गए निकल गए यार, इस बार कितना बड़ा है ये, क्या है रहीम, रहीम साहब ये छोटा है यार, इतना छोटा, ओ माय गॉड, अल्लाह वो इतना बड़ा है ये, क्या है रहीम, रहीम साहब ये छोटा है यार, इतना छोटा, ओ माय गॉड, अल्लाह वो तो रिकॉर्ड करने आगे नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ रिकॉर्ड कर, इसको रिकॉर्ड करो यार, यार ये क्या तल का खेज है, अल्लाह अकबर, ये देख ये देख, दो दाना है बिल्कुल, दो दाना है अल्लाह अकबर, रिक्ते हुए कोई गया उधर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर, ये देख ये देख दरवाजा, ओए ओए अल्लाह अकबर, दो है बिल्कुल यार, उफ खुदाया क्या करे यार, हाँ
यार मैं कहता हूँ दीवार से मैं मारता हूँ इनको। गाड़ी किधर साइड करो। हाँ गाड़ी थोड़ा सा क्या हो गया आपको यार, क्या हो गया साथ? मैंने कहा इनको मैंने मारना है। दूर दूर खड़ा करे गाड़ी को, दूर खड़ा करे। और जैसे मैंने गाड़ी सामने लाया ना वो निकला बाहर, यानी कोई खौफ नहीं उसको यार। हाँ यानी कि इसको कोई खौफ भी नहीं है यार कि हमें मारने वाले हैं या हमारे ऊपर हमला करने वाले। बाहर बाहर अकबर। ओ मेरे खुदा यार। और एक बात मैं आपको बता दूं रही, हम अंदर कैसे जा सकते हैं? हम जा ही नहीं सकते यार। ये दो, ये पता नहीं और कितने हैं, और ये पता नहीं कितने हैं। क्या करें यार? हाँ रही, सोचो कुछ प्लान करो आज। खुदाया ओए ओए, ये किधर से आ गया? ये क्या बस, क्या बस, अल्लाह पर वो यार। इधर से भी नजर, इधर से भी बिल्कुल या पहले इधर से। हाँ ये देखो, ये देखो, अल्लाह अकबर। हाँ देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दीवार 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 दीवार। परेशान हो गए हम लोग। ओए 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 यार। इस मखलूक को मैं समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे खत्म करें। हमने बहुत कोशिश की है। अब ये बिल्कुल दरवाजों पे खड़े हैं, बिल्कुल मतलब इसका आप अंदर नहीं आ सकते हैं। आज ऐसे करना पड़ेगा हम लोग। अभी देखो, अभी हम लोग है ना, अल्लाह अकबर, उधर पे कहना है हम लोगों को। लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग डरपोक हैं, आप जी जी क्या आज कहना, अपना तरफ से कर कोशिश करेगा यार। यहाँ पे कैसे जा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो सब कहे, तुम्हारा क्या ख्याल है रिम साहब? बात मतलब ये है कि ये मतलब कि आज सामने आ रहा है, हम इतनी स्पीड गाड़ी आ रहा था मतलब मानने की, ये आज मुझे बाहर आ गया, बाहर आ गया बिल्कुल। और बिल्कुल यार, यानी कि हम, मैं असल में यही सोच रहा था, मैंने कहा एड करूंगा मैं दीवार को, चाहे कुछ चाहे कोई भी मेरा गाड़ी को नुकसान हो जाए मुझे परवाह नहीं है। मजीद खार में आ गया ना, फिर तो बिल्कुल हम लोगों को भी नजदीक भी नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो दरवाजों पे यार, ये दरवाजे भी खड़े हैं यहाँ पे। ये देखो दो दो दो, हाँ दो दो बिल्कुल। एक इस तरफ गए, एक इस तरफ वो, एक उधर उधर रूम की तरफ, उधर कमरे की तरफ हो रही है वो कमरा जो यहाँ से नजर आ रहे थे, एक वहां से। अल्लाह अकबर यार, इतने सारे, इतने सारे, ओ मेरे खुदा। अल्लाह खैर करे आज ये लोकेशन में। क्या करे यार, रहीम रहीम साहब गाड़ी में आ जाओ, गाड़ी के जरिए से इन्वेस्टिगेशन करते हैं साथ में, ऐसा ना हो खुदा ना खासा भाग ना सके, लाजमी है। लोग कहते हैं आप लोग भागते हो, उसकी वजह, भागने का वजह ये नहीं है। अब इस मखलूक का सामना कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है? हाँ इतना दिलेर कोई भी नहीं होता है जितना वही वही चक्कर चक्कर चक्कर। हाँ देख रहा हूँ ना, ओ
अल्लाह अकबर, ये क्या चीज है यार, ये देख, ये देख, ये देख। हां वही चक्कर चक्कर चक्कर, हां देख रहा हूं ना। ओ अल्लाह अकबर, ये क्या चीज है यार, ये देख, ये देख, ये देख। हां मुश्किल में ये छोड़ा है, क्या करे इसका यार, ऐसा नहीं जाओ, नुकसान नहीं दे हम लोग भी। नहीं गाड़ी से उतरते नहीं है, गाड़ी से नहीं उतरते हैं। नहीं जाओ, ऐसा मजाक नहीं है, इतना सामने आ रहा है, नुकसान देगा हम लोग। यार क्या करे, कोई और रास्ता है इसका जाने का? नहीं, नीचे उतरने में ये कि ना खुदा ना खास्ता ये जो चीजें हैं, जाहिर सी बात है। हम लोग तरफ स्पीड से, हाँ अगर स्पीड की स्पीड भाग गए जाहिर सी बात है, ये भी टेंशन है बहुत बड़ी। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, क्या करे यार, हाँ क्या कहते हो, बिल्कुल यार अजीब से, और दूसरा उसका बिल्कुल छोटा कद का है, बहुत छोटा है। क्या सोचते हो? सोचना ये है बस, तो बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, तुम दोनों है ना एक कैमरा मैन, थोड़ा आगे जाए पैदल। नहीं रिस्क है ये, अटैक ना करे ये, बिल्कुल एक इस बार अजीब तरह से है ये, बिल्कुल अजीब यार ये, अभी खुद देख रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताए इसको कैसे पता चला, मैं बिल्कुल आया हूँ दीवार की तरफ, वो जैसे निकला है ना, बिल्कुल यार मुझे खौफ सा आ गया, मैंने गाड़ी टर्न किया है, मैंने कहा मैंने मारूंगा यहाँ पर इसको। इसका क्या ना, ये दरख्त नहीं है, हां एक जगह ये दरख्त है, दूसरे का जगह वो कमरा नहीं है, हां वो कमरा है यार, अभी कमरे से भी नजर आया रहीम। हां तो खैर मैं बोल रहा हूं ना, उधर भी है लेकिन ये दरख्त भी इसका ठिकाना है ना, इस वजह से देख रहे हैं सारा घर मर, अभी कहां चले भाग गया है ना, यहां पे दीवार के साथ है यार, जो भी है दीवार के साथ होता है यार ये। क्या सोचते हो यार, क्या कहते हो? परेशान है, खुद पीछे प्लान करते हैं फिर जाते हैं अंदर की तरफ, सोचते हैं जो कुछ हुआ फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे गाइस। कोई हल होगा इसका खत्म करने का भी? हाँ कोई हल होगा, इसका पूरा एक खानदान है, इस बार नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें चाहे कुछ भी हो, इस बार भी रहीम साहब तो इसको खत्म करना बस थोड़ा सा है ना, हाँ ख्याल से जाना सही, क्योंकि ये लोग सोखता है, ठीक ऐसा नहीं हो जावे कि तो चले हम, आप लोग जाओ बस, हम इधर से फिर भी पढ़ाई कर रहा हूँ दोस्तों। इस बार आने का मकसद भी यही है, पहले भी हमने आपको कहा है कि हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, हमें कुछ ऐसी चीज़ें इनकी कमज़ोरी ताकि पता चल सके, ठीक है ये ख़त्म कैसे होंगे यहाँ से, ये हमें आप मालूम करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आज, ठीक है बाकी ये आपके सामने है, और हमने गाड़ी वहाँ तक ले आया, ठीक है बिल्कुल आज पहले इस एपिसोड की शुरुआत में ही ये नज़र आया है, ठीक है पहले फिर भी हम चले जाते थे अंदर, वो रूम देखो, रूम देखो, हाँ Oh my god!
आ रहा है गाड़ी में बैठो रहीम साहब रहीम बाबा रहीम बाबा ओए रहीम रहीम यार कुछ नजर नहीं आ रहे हैं साहब भाई क्या कर रहे हो मजबूर हो गया पीछे से ले आ जाओ मेरे ख्याल कर रहा ये कैसे आप लोग उस तरफ चलो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है फुल जोश में आ गया ना हमें सबसे पहले एक चीज हमें मालूम करना है इधर हमें ये चीज मालूम है इनकी कोई कमजोरी हमें पता चले इनकी क्या चीज है यहाँ पर यार ये क्यों इधर काबिज है किस वजह से हमें ये सिर्फ पता चले इनकी कमजोरी फिर जाके हम सब कुछ कर सकते हैं मुझे हाँ ऐसा नहीं भागा करो यार समझ में नहीं आ रहा क्या नहीं छोड़ना सर देखा आप खुद देखा हेलो क्या बोल रहे सही बात है और गायब बिल्कुल हो गए गायब हो गए ये पंखा है ना ये कहाँ चला गया यार आए इधर ही ऐसा नहीं कि इधर के छोड़ कर क्या लेकिन फिर भी कहना अपना ख्याल से ख्याल लाजमी है यूसुफ भाई जी जी रहीम साहब आप लोग ऐसे उधर भी कुछ देखना चाहो ऐसे नहीं आप लोग पीछे से भी आ जाते हैं बिल्कुल रहीम साहब ने बात सही रहीम साहब का थोड़ा ख्याल से भाई जब ख्याल आ रहे किस चीज़ का बस सर किस चीज का वास्ता हाँ करो यार एहतियात करो रहीम इसको क्रॉस करें यानी हाँ थोड़ा सा यार हाँ बिल्कुल साथ रहो पढ़ते रहो मैं सबसे रहीम ऐसा सहारा मारा सहारा चीजें सही नहीं लग रहे निकलो यार क्या नहीं है अंदर से अंदर से वो चेक कर रहे हैं
निकल लो यार। यूसुफ आप उधर फोकस करो, फोकस फोकस फोकस। अल्लाह ऊपर, निकल निकल। यार ये कैसे हो रहा है? अभी हम उधर थे, सुनो यहाँ पे नजर आया, अभी जैसा हम इधर है वहाँ पे नजर आया, ये कैसा? हाँ बिल्कुल समझ से बाहर है एकदम से। ये कैसा हो रहा है? आप जैसे पीछे पे बाकी ना, एक मिनट लाइट बंद करो गाड़ी का, लाइट वो वो ये बहुत ताकतवर है, एक सेकंड में यहाँ से गायब होकर वहां से यार नजर आता है। ये अब लोगों को यकीन आना, इसलिए इस बात पे आना चाहिए यार, रहीम ने जैसे रहीम साहब ने, रहीम बाबा ने मिट्टी पहनकर वो इधर से गायब हो गए, बिल्कुल ऐसा गायब हो गए जैसे आसमान का गया, जमीन का गया, ऑटोमेटिक फोकस किया है। हां फोकस हुआ, ठीक है वो नहीं थे, हम कमरे की तरफ गए, आवाज आया जैसे कमरे से आया, पहली दफा आवाज कमरे से आया यार, इसी तो हमारा सारा फोकस उधर हुआ है। दूसरा जो आवाज आया ना इस पीछे देखा है भाई, पीछे की तरफ आए, जैसे हम उसके पीछे इधर भागा ना, भागने के बाद इधर हमने देखा कुछ भी नहीं, और वो इस दीवार से नजर आए, ये सब कुछ ये समझ से पा रहा था। उसने भी बोला कि भाई ये गया नहीं है इधर ही। अच्छा आपने सुनो, जरूर अंदर चले गए उस दीवार की तरफ, दिखाया आपने? हाँ हा? दिखाया, कुछ भी नहीं था यार। ये इस तरह की मखलूक है ना, कोई इसकी कमजोरी होगी रहीम, कोई तो कोई इसकी कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से ये खत्म होगी, इसको हमने कहाँ से नजर आया? ये खत्म कैसे होएगा? देखो ना, एक नहीं है, दो नहीं है। ये जगह इतना बड़ा हुआ है, मैं पहले भी आपको बताया कि भाई ये जगह में बहुत है, इसमें हर हर किस्म का है। समझ में नहीं आ रहा यार क्या करें यार, ये बिल्कुल अभी हम पीछे जाए खुदा ना खासा हमारे पीछे कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, ये जो मखलूक है इतनी ताकतवर, अब दो दो चीजें नजर आ रही है, एक कमरे से भी नजर आए, तीन इतने ज्यादा है। हाँ फुल परेशान क्या मैं अभी, वही आवाज है, बिल्कुल आवाज वही है, मुसलसल वही आवाज आ रहा है। पहले इतना नहीं था, अभी जितना ताकत में इस बार, पहले ऐसा नहीं था। क्या करे यार इंसान, कुछ करना है, वही कमजोर यार, हमने उस कमरे तक पहुंचना है बस, कुछ भी है मुझे जो लगता है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं उस कमरे के अंदर कुछ चीजें इनके साथ जुड़े हुए हैं रहीम, क्या पता वहां पे कुछ ऐसी चीजें हो।